अब प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन क्या होता है। अगर हमको प्लेन को यूनिकली बताना है, डिटरमाइन करना है, तो इनमें से कुछ भी अगर हमारे पास हो तो हम उसको यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। एक ये प्लेन है, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, यानी इक्वेशन प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है। दूसरा, ये प्लेन किससे पास होता है, किस पॉइंट से पास होता है, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कौन सी है। यदि एक और चीज, अगर ये तीन पॉइंट हमें मिल जाए, तीन पॉइंट जो नॉन कोलिनियर है जिससे प्लेन पास होता है, तो हम बता सकते हैं प्लेन क्या है। तो अभी हम वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन देखेंगे प्लेन के। पहला है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। अब आप देखिए यहां पर इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर एक प्लेन है जिसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से डी है। ये डी डिस्टेंस है इसका, और डी जीरो नहीं है क्योंकि कुछ डिस्टेंस है इसमें। अभी जो ओ एन है ये वाला, ये नॉर्मल है ओरिजिन से इस प्लेन पे, इस प्लेन पे। मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, ये जो आप यहां से ऐसे देख पा रहे हैं ये प्लेन है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ओ एन नॉर्मल हो गया। और जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है अलाउंग ओ एन, क्योंकि ए सी के, इस प्लेन के अगर ये इस तरीके से प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो एन कैप की बात कर रहे हैं। तो ओ एन क्या होगा, डी इंटू एन कैप, ये हम जानते हैं, है ना, डी इंटू एन कैप जो डिस्टेंस होगा इंटू एन कैप। अब पी कोई पॉइंट मान लीजिए इसी प्लेन में एक्स वाई जेड है, इसी प्लेन में कई एक्स वाई जेड पॉइंट है, तो जो एन पी होगा, एन पी ये परपेंडिकुलर है ओ एन के, यानी कि एन पी इंटू ओ एन ये जीरो होगा। आर को पोजिशन वेक्टर मानिए उस पी का, तो एन पी क्या हो जाएगा, जैसे हमने देखा दोनों, अगर ओ एन प्लस एन पी ये ट्राइंगल वाले से ले लेंगे, ओ एन प्लस एन पी इक्वल टू ओ पी, ये जो ओ पी होगा वो ओ एन प्लस एन पी होगा, और इन दोनों के बीच में भी रिलेशन देख चुके हैं। तो ओ एन प्लस एन पी इक्वल टू ओ पी, इस रिलेशन का यूज करते हुए ये एन पी कैसे निकालेंगे, ओ पी माइनस ओ एन, ओ पी हमारा आर है और ओ एन अभी में हमने कहा कि डी इंटू एन कैप है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको अगर और थोड़ा सा देखे तो दिस डॉट दिस इक्वल टू जीरो, अभी हमने देखा दोनों का डॉट जीरो है, दोनों का डॉट जीरो है, दोनों की वैल्यू रख दी हमने यहां पे, तो आर माइनस डी एन कैप डॉट डी एन कैप इक्वल टू जीरो। इसमें क्या करते हैं हम कि ये डी तो जीरो नहीं होगा, है ना, इसको अभी रहने दीजिए। अब एन कैप मिला आपको, अब एन कैप को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, आर एन कैप माइनस डी एन कैप इक्वल टू जीरो। एन कैप इंटू एन कैप, यानी कि अगर एक ही आप वैल्यू के एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन आ, तो आर डॉट एन कैप आपका, इसको इधर ले जाइए, एन कैप को वन कर दीजिए, आर डॉट एन एन कैप इक्वल टू डी। ये वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन की, किसकी, प्लेन की। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, ये जो इक्वेशन दो है इसको बहुत ध्यान से देखिए आप, ये जो इक्वेशन दो है इससे हम आगे बढ़ेंगे। ये वेक्टर इक्वेशन है, तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल है प्लेन के, इस प्लेन के जो नॉर्मल होता है वो एन कैप है। अब मानिए पी एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट है इस प्लेन में, तो ओपी क्या हो जाएगा, सिंपल आर विच इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हम जानते हैं, इसको आराम से बता सकते हैं कोई भी ओपी को। अब एल एम एन मान लीजिए इस डायरेक्शन को साइंस है एन कैप के, तो एन कैप क्या होगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। लेकिन अगर आप इसको सेकंड इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर रख दें, दिस डॉट डी इक्वल टू डी, तो आर भी मिल गया, एन कैप भी मिल गया, ये आर हो गया, एन कैप हो गया, जरा इसको डॉट करके बराबर डी कर दीजिए, यानी कि एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया प्लेन का नॉर्मल फॉर्म। जो इक्वेशन तीन है जिसमें आप देख पा रहे हैं आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू डी, ये वेक्टर इक्वेशन होती है प्लेन की, इसीलिए अगर ये हो गई तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई प्लेन की, जहां पर ए बी सी क्या है आपके, ये ए बी सी आपको मिलेंगे, दीज आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज जो नॉर्मल है प्लेन के, उसके प्लेन के नहीं, जो उसके नॉर्मल है उसकी बारे में बात हो रही है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जो अभी हमने देखा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ओरिजिन से इतना डिस्टेंस है और नॉर्मल वेक्टर जो है ओरिजिन से वो इतना है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना है इसको।
तो एन कैप आपको मिल गया, इन्होंने कहा कि जो नॉर्मल है उसका वेक्टर इस तरीके से है, तो एन वेक्टर है ये, तो एन कैप कैसे निकालेंगे, हमें एन कैप चाहिए, इस वेक्टर को लीजिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2² + 3² + 4² उसे डिवाइड किया, तो ये आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, यू वांट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, सिंपली इसको लीजिए, ये वाले को 2i + 3j + 4k और उससे √29 डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ गया। तो ये जो चीज आई है, अब इसको इसमें रख दीजिए, r.n cap = d, इन्होंने दिया हुआ है, r.n cap = d, ये लगाना है जो भी हमने देखा, r डॉट ये आपने निकाल लिया और यहां पर d रख दिया। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 को इधर ले जाइए, माइनस इन सब में माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया r डॉट d, या कहें r.n cap = d फॉर्म हो गया, है ना। इसका जरा मॉड्यूलस निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, कितना था 7, इसको डिवाइड कर दीजिए 7 को दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो जब 7 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 को इस साइड भी डिवाइड करेंगे, तो ये जो चीज है ये वाली, ये किस फॉर्म में आ गई, r.n cap = 1/7, है ना, यही तो हुआ। तो अब इसमें जो n कैप है वो क्या आ गया, 6/, ये वाली चीज, ये n कैप होगा, ये यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है प्लेन के थ्रू ओरिजिन। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इसके, -6/7, 3/7 और 2/7। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन की। तो डायरेक्शन रेशियोज जो नॉर्मल है वो होंगे 2, -3 और ये 4, 6 को इधर लाना पड़ेगा आपको। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो 2, -3 और 4, अगर इसको आप लें और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, 2² + 3² + 4², ये तीनों को डिवाइड करें इनसे, डायरेक्शन आपके रेशियो से, तो ये आपको मिलेगा, ये तीनों मिल गए। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको जरा 6 इधर ले आइए, जरा इधर 6 ले आइए, और इनको आप डिवाइड कर दीजिए √29 से। तो 2/√29, -3/√29, 4/√29 और 6/√29, तो किस फॉर्म में वो बन गया, LxMyNz = d। तो d क्या है इसमें, डिस्टेंस किसका, प्लेन का ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस ही वाला आ गया। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। अब एक प्लेन है, ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप की, वो जो परपेंडिकुलर उस प्लेन पे आती है उसका आपको क्या निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका x1, y1, z1 है, ये आपका ओरिजिन है, यहां से बनाया गया और ये आपका फुट है इसका। तो इसका हमने ओरिजिन से x1, इसको x1, y1, z1 मान लिया। तो डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के क्या हुए, x1, y1, z1। अब इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन जो है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप इसको 6 इधर ले जाइए, 6 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए इसको 2² + 3² + 4² से, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये तीनों क्या है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है ओपी के, ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस है। अब जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो और डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि x1 / this one, ये वाला हमने लिया डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है और ये वाली जो वैल्यूज है x1 / this one, y1 / this one और z1 / this one, ये एक रेशियो में होते हैं, तो रेशियो कोई k हो गया, तो x1 क्या हो जाएगा this into k, y1 this into k, और z हो गया this one into k। और अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें, जो प्लेन की इक्वेशन है हमारी, एक्चुअल इक्वेशन ये है ना, इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको k मिलेगा 6/√29। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, x1 y1 z1, इसमें जो k आया इसमें रख दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। अगर d है डिस्टेंस ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन, और LMN आपके डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी नॉर्मल उस प्लेन के थ्रू ओरिजिन से, तो जो फुट होगा परपेंडिकुलर का, वो सिंपली L × d, M × d और N × d कर सकते हैं। अगला है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। हमको वो प्लेन निकालने हैं जो परपेंडिकुलर है किसी वेक्टर से और किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट है x1, y1, z1, और ये आपका जो परपेंडिकुलर जा रही है इनकी, इसके तरफ से वो भी दिया हुआ है। तो यहां पर एक नहीं, बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, एक नहीं, देखिए आपके सामने 2-3 प्लेन दिख रहे हैं जो परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर के,
तो इस जगह पे अगर x1 y1 z1 आप जोड़ दें तो केवल एक ही प्लेन होगा जो इससे पास भी होगा और इससे परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए ये जो प्लेन है वो पास कर रहा है ए पॉइंट से, ए पॉइंट कोई भी ए पॉइंट ले लीजिए जिसका पोजिशन वैक्टर है ए, और जो परपेंडिकुलर है वो वैक्टर का, उस वैक्टर का वो एन कैप है, एन एन वैक्टर है। तो अगर आर, ये जो आर है वो पोजिशन वैक्टर है किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ये कोई भी पॉइंट ले लीजिए पी एक्स वाई जेड प्लेन, ये आर ले रहे हैं आप, तो जो पॉइंट पी अगर वो लाई करता है इस प्लेन में तभी लाई करेगा जब ए पी परपेंडिकुलर होगा इस एन के, राइट, यानी कि ए पी, ये सॉरी ये वाला, ये तभी लाई करेगा क्योंकि ये प्लेन में ये ए पी लाइन लाई कर रहा है, हम ये कह रहे हैं ए पी इसलिए लाई कर पा रहा है क्योंकि और ए पी लाई कर रहा है तो ये तो नॉर्मल है इसके, तो एन कैप या एन वैक्टर और ये ए पी वैक्टर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। लेकिन इसमें ए पी क्या है, हमने कहा ये ए है ये आर है तो ये कितना होगा r माइनस ए, तो r माइनस ए इंटू एन क्या एन, r माइनस ए इंटू एन, यानी कि ये दोनों इक्वल टू जीरो होगा, बस यही वेक्टर इक्वेशन है इस प्लेन की, इतना ही करना है आपको। कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो a और p बिल्कुल सेम डायग्राम में x1 y1 z1, a का मानिए p का x y z मानिए, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज है n के, और इसके डायरेक्शन रेशियोज है और डायरेक्शन रेशियोज जो n के हैं वो ए बी सी है, ए बी सी, तो इसको तो हम x1 y1 z1 और x2 x y z के फॉर्म में लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। n को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी जे प्लस सी के, हमने अभी भी देखा r माइनस ए जो है वो r माइनस ए इंटू एन, ये नॉर्मल वेक्टर है, इक्वल टू जीरो है। यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास ये x है r माइनस ए कर दीजिए x माइनस एक्स वन इस तरीके से, और यहां पर ये n की जगह ये रख दीजिए, अब जो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, इसमें जो x, y, z है ये p के पॉइंट है, x1, y1, z1 a के पॉइंट है और a, b, c डायरेक्शन रेशियोज है n के। अब इसको एग्जांपल में देखते हैं, आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो पास हो रही है इससे और जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के जिसका डायरेक्शन रेशियोज ये। तो हमारे पास ये जो पॉइंट पोजिशन वैक्टर पॉइंट का मिला है जैसे a, इसको हम फाइव आई प्लस टू जे प्लस माइनस फोर के लिख सकते हैं, और जो n है ये वाला n डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है तो उसको 2i प्लस 3j माइनस के लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी प्लेन की, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, तो r r रहने दीजिए अभी, इसको हम x y z लेंगे, a यहां पर लेंगे और n यहां पर लेंगे, तो r क्या होगा x y z ले लीजिए, तो x माइनस फाइव y माइनस टू z माइनस फोर ये हो जाएगा और ये आपका यहाँ है। अब इसको फॉर्मली मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस फाइव टू y माइनस फाइव वन माइनस टू थ्री, और यहां पर जो तीसरा है z प्लस फोर इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दीजिए। इस इक्वेशन के हिसाब से आपको जो इक्वेशन मिलेगी यही कार्टेशियन इक्वेशन है प्लेन की। अब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब आपके पास तीन पॉइंट है जो नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में नहीं है, तो एक लाइन में नहीं होंगे तो इस तरीके से होंगे, कुछ एक फिगर बना रहे होंगे। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट किसी प्लेन में जिसका पोजिशन वैक्टर है ए बी सी, ये देखिए ए, ए इसका पोजिशन वैक्टर है, बी ये पोजीशन वेक्टर है और सी ये पोजीशन वेक्टर है। आप कह रहे हैं हमारे पास ये पॉइंट है आर एस और टी, तो ये वाला क्या होगा, ये जो इसका परपेंडिकुलर जा रहा है इसके ऊपर ये होगा आर एस इंटू आर टी क्रॉस प्रोडक्ट, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है वही, दो लाइनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही तो इसके परपेंडिकुलर होता है, ये हम सीख चुके हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं। इसमें क्या होगा, आर एस और आर टी उस प्लेन में है तो आर एस क्रॉस आर टी जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें आर और एस और टी है उस प्लेन में, तो आर जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है कोई भी पॉइंट ले लीजिए पी इस प्लेन में, तो इक्वेशन जो हमारे पास आई जो पास हो रही है आर से और जो परपेंडिकुलर है आर एस और आर टी से वो है आर माइनस है इंटू एन कैप, एन कैप ये है आपका इक्वल टू जीरो, और ये आर एस क्या है बी माइनस, यहां से देख लीजिए आर एस क्या है बी माइनस है, इस तरीके से आर टी सी माइनस ए, बी माइनस ए सी माइनस ए यहां रख दीजिए, तो आर माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये इक्वेशन है प्लेन की वेक्टर फॉर्म में जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब ये क्यों जरूरी है कि तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे, ये क्यों नहीं हो सकता कि नॉन कोलिनियर हो, नॉन कोलिनियर ये जरूरी क्यों है कि वो कोलिनियर नहीं होंगे, कोलिनियर होंगे तो एक लाइन में होंगे, तो नॉन कोलिनियर क्यों होना चाहिए, अगर जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन में है
तो कितने प्लेन हो, देखिए एक लाइन में एक प्लेन ये हो सकता है, एक प्लेन ये हो सकता है, मल्टीपल इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, इसलिए ये तीनों जो है कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो ये पेज की तरह काम करेंगे, अगर किताब खोलें तो जो पेज की तरह काम करेंगे ना, उसमें जो जिल लगी हुई है या फिर जो जिसके हिसाब से वो जुड़े हुए, वो ये लाइन होगी। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। आपके पास ये तीनों पॉइंट है आर एस टी, ये तीनों पॉइंट है उस प्लेन में आर एस ओ टी, एक्स वाई जेड जो है वो कोई भी पॉइंट है पी का जिसका पोजिशन वैक्टर आर है। तो आर पी क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन, इस तरीके से वाई जेड, यहाँ पर आर एस होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, आर एस टी हमने अलग अलग ले रहे हैं, आर आपका आर है, पी है, एस और टी चार पॉइंट है बस। तो आर पी एस टी चार पॉइंट, तो आर पी निकलेगा, आर एस टी निकलेगा, आर टी निकलेगा। अब इनको हम इक्वेशन एक में रख देंगे जो वेक्टर फॉर्म की अभी हमने निकाली, इस वाले में बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें रखेंगे हम। तो इसमें रखने के साथ ही ये x माइनस एक्स वन, ये y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, तो सब इसके इसके और इसके तीनों के हम यहां पर जो कोएफिशिएंट्स है वो रख लेंगे। यही जो इक्वेशन है वो प्लेन की है जो कार्टेशियन फॉर्म में, जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक एक लाइन में नहीं आते हैं, ये तीनों पॉइंट उसकी इक्वेशन है। अब इसका एग्जांपल देखिए, आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है प्लेन जो इन तीनों से पॉइंट इन पॉइंट से पास हो रही है। तो ए ये है, बी ये है, सी ये है। हम जानते हैं कि वेक्टर इक्वेशन किसी भी जो प्लेन जो ए बी सी से पास हो रही है वो है आर माइनस ए इंटू आर एस इंटू आर टी इक्वल टू जीरो। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम बी माइनस ए सी माइनस ए डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमें ए बी सी तीनों पता है, आर माइनस ए इसको यहाँ रखिए, बी माइनस सी सी माइनस ए निकालिए, निकाल लेंगे आप। बी माइनस सी करेंगे ऐसे करेंगे, माइनस टू ऑफ माइनस फाइव, माइनस थ्री ऑफ माइनस फाइव, इस तरीके से करेंगे। तो ये आपका निकल जाएगा दोनों बी माइनस ए और सी माइनस ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और चाहे तो आप देखिए इसी फॉर्म में भी रख सकते हैं, अगर इन्होंने केवल इक्वेशन पूछी ये कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी सॉल्व करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो यहां पर हम देखेंगे जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है इनके इंटरसेप्ट के फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, देखिए यहां पर ये सी है, ये बी है, ये ए है, ए जो हर एक एक्सिस में जो पॉइंट आप देख रहे हैं ए बी सी, जो ये ए बी सी पॉइंट है इन्हें हम इंटरसेप्ट कहते हैं। तो जहां भी ये प्लेन जो है जब एक्सिस से मिलते हैं ना, जिस जब भी एक्सिस से मिलेंगे तो वो एक्स में मिलेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई में मिलेंगे तो वाई इंटरसेप्ट, इस तरीके से होगा। तो ए बी सी आपके ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपके इंटरसेप्ट हो गए। तो प्लेन जो मीट करेगा एक्स वाई जेड को कहां मीट कर रहा है, ये जीरो जीरो सी, जीरो बी जीरो, ए जीरो जीरो। देखिए ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस में वाई और जेड जीरो होगा, इसी हिसाब से बाकी तीनों बन जाएंगे। तो अब इसमें ए ए प्लस डी इक्वल टू जीरो, ए ए इसमें हम इक्वेशन की प्लेन है, तो हमारे पास ए ए प्लस डी इक्वल टू जीरो, यानी ए कैपिटल ए आ गया, कैपिटल बी आ गया, कैपिटल सी आ गया। अब इसको हम इक्वेशन में रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, देखिए क्या मिलता है। आप देखेंगे कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू वन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा कि ये हमने इक्वेशन में रखा है तभी आया है, और उसका फाइनली भी इक्वेशन में रख दिया जो वैल्यूज आई है ए बी सी, तो भी यही आया। अब इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, इंटरसेप्ट टू थ्री फोर है एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो सीधा एक्स बाय ए वाई बाय बी जेड बाय सी ए बी सी आपको मिला हुआ है, ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, सिक्स एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री जेड आ जाएगा। अब प्लेन है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब पाई वन और पाई टू दो प्लेन है, आपको ये पता है प्लेन इसकी इक्वेशन क्या होगी, आर इंटू एन वन, इसको एन वन मान लेते हैं, इसका एन कैप में, यानी कि इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर है इक्वल टू डी वन हो गया, इसका हो गया आर वन, आर 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 वन ही होगा इसमें, आर इंटू एन टू, इसका एन टू मान लेते हैं, इंटू एन टू इक्वल टू डी टू, यानी कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब पोजिशन वेक्टर कोई भी पॉइंट जो इसके ये जो इंटरसेक्शन लाइन पे है ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो मान लीजिए कोई टी आपका पोजिशन वेक्टर है, अब क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो टी यहां भी रख सकते हैं, टी यहां भी रख सकते हैं, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्म है वो क्या है, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो हमारे पास लैम्डा के फॉर्म में क्या होता है, टी डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू, है ना, लैम्डा लेके हमने इनको ऐड किया तो ये आ गया। तो
टी आर्बिट्ररी है, यानी कि ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा क्योंकि टी दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो इक्वेशन होगी इस फॉर्म की, ये आपकी तीसरी प्लेन है, ये इस तरीके से है कि आर पाई वन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, पाई टू को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो पाई थ्री आएगा वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो प्लेन है जो पास होगा इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से, वो सीधा आर डॉट एन वन इक्वल टू डी वन करेंगे, आर डॉट एन टू इक्वल टू डी टू करेंगे, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू, आपको बस यहां पर लैम्डा टाइम्स करके ऐड कर देना और रीअरेंज कर देना। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, एन वन मान लीजिए ए वन बी वन सी वन है, एन टू ए टू बी टू सी टू है, आर क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका मतलब ये इक्वेशन जो हमने अभी भी देखी वो क्या बन जाएगी, एक्स इंटू दिस वन ए वन प्लस लैम्डा ए वन, वाई इंटू बी वन प्लस लैम्डा बी टू, जेड सी वन प्लस लैम्डा सी टू, ये आ गया डी वन प्लस लैम्डा डी टू। आप ध्यान रखिए हमने इसको इसमें रख दिया है बस, और कुछ नहीं किया। जब हमने इसको रख दिया और रीअरेंज किया तो लैम्डा वाला लैम्डा के साथ सारी चीजें ले लीजिए, बाकी अलग कर लीजिए। ये आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म है इक्वेशन का, एक प्लेन जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है ना, किसी कोई भी लैम्डा देते रहे तो इसकी वैल्यू आती रहेगी आपकी। जैसे आपके पास वेक्टर इक्वेशन आपको निकालना है, प्लेन जो पास हो रही है इंटरसेक्शन ये प्लेन और ये प्लेन, और पॉइंट ये दिया हुआ है, उसको कैसे निकालेंगे, एन वन आपका ये दिया हुआ है, एन टू आपका ये दिया है, डी वन ये है, डी टू ये है, तो आप सीधा इसमें रख दीजिए आर वन डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। इसमें जैसे ही रखेंगे आप ये जो जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आएगी, और यही आपका फॉर्म है, लैम्डा कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब हम आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखेंगे इस जगह पे। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब आई का आई से, जी का जे से, के का के से, ये किसके बराबर होगा, सिक्स माइनस फाइव लैम्डा के बराबर। अब जरा इनको इसके लैम्डा वाले को अलग कर लीजिए, बाकी को अलग कर दीजिए, यह फॉर्म आ गया। अब क्योंकि प्लेन एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड जो है उसका वन 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 मतलब पास हो रहा है, तो वन 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 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स वाई जेड की जगह वन 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 डाल दीजिए, जैसे आप देखेंगे लैम्डा जो आपका तीन बाय चौदह आएगा। अब ये जो है ये आपको एक्चुअल इक्वेशन में जाके रखना पड़ेगा, जब रखेंगे जो आपकी वैल्यू आई लैम्डा की, तो इस तरीके की इक्वेशन बना दीजिए और इसको नॉर्मल फॉर्म में जैसे इक्वेशन का फॉर्म होता है उसमें लिख दीजिए, ये आपका वेक्टर इक्वेशन है प्लेन की।